चाहे वो मनीष कश्यप हो या कोई हो, अगर जो जहां कुछ दिन पहले ये बालू माफियाओं की वजह से ही जेल में रहकर आए हैं, बिहार के मजदूरों के आवाज को उठाते हैं, तो आप पर FIR होना एकदम लाजिम है। टेंडर पास होने के बाद भी ठेकेदार जो है वहां पर बालू नहीं निकालते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते टेंडर जाए तो जाए, भवानी जी आ जाएंगे। मनीष कश्यप जी ने अगर जो कोई चीज को प्रकाश में लाने का काम किया तो उन्होंने गलत नहीं किया। खैर क्या बोले हम, उससे अच्छा तो है किसी जोकर को आप शिक्षा मंत्री बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मतलब बालू कहे नहीं निकालने देते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि बालू आप निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ खेती कैसे होगा। औरंगाबाद लोकसभा के सांसद आदरणीय सुशील बाबू जी ने एक बार भी उत्तर कोयल नहर परियोजना को चालू करवाने के लिए संसद में अपनी बातों को नहीं रखा। अभी हमारे साथ बिहार के गया जिले के भवानी सिंह नामक एक ऐसे नेता है मित्रों, जो छात्र राजनीति से लेकर और आज तक राजनीति करते आए हैं। बस इतना समझिए सर भवानी सिंह के बारे में कि जब ये खड़े होते हैं तो यहाँ पर बालू माफिया जो है, जो बालू निकालने वाले बालू माफिया है, वो इनके खौफ से डर के मारे थर 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 कांपते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिन पहले ये बालू माफियाओं की वजह से ही जेल में रहकर आए हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल दोनों का, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। अच्छा ये बताइए आपसे बालू माफिया क्यों कांपते हैं? जिन बालू माफिया से अधिकारी कर्मचारी इसके बाद नेता तमाम लोग कांपते हैं डरते हैं, उनसे वो लोग आपसे क्यों डरते हैं? क्या ऐसा करते हैं, क्यों बालू माफियाओं को बालू नहीं निकालने देते हैं? टेंडर पास होने के बाद भी ठेकेदार जो है वहां पर बालू नहीं निकालते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते टेंडर जाए तो जाए, भवानी जी आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि बालू माफिया कांपते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। बस मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अपने जहां मेरा जन्मभूमि है, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे विधानसभा में चाहे वो बालू माफिया हो या किसी चीज़ के कोई माफिया हो, वो सभी के खिलाफ मेरा जन आंदोलन शुरू से रहा है। और अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारे इमामगंज विधानसभा की, तो हमारे यहाँ किसानों के खेती के लिए कोई भी जो है सिंचाई का साधन नहीं है। ठीक है हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि बालू क्यों नहीं निकालने देते हैं भाई? बालू निकलेगी तो राजस्व का आय व्यय बढ़ेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप बालू काहे नहीं निकालने देते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि बालू आप निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ खेती कैसे होगा? आप बालू निकाल लेंगे, आ जाकर के देखिए ना कि हमारे यहाँ जो हमारी जो नदियाँ हैं वो कोई जो है सोन और गंगा जैसी नदियाँ नहीं है। हमारे यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ 30 किलोमीटर से चल करके आई हुई नदियां हैं। आप अगर जो हमारे यहाँ से बालू का निकासी कर लीजिएगा तो पाइप के माध्यम से हमारे यहाँ खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा? बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज के 2 साल पहले जो मैं हाथ से खोद करके जो है अपने नदी के किनारे से और महज जो है आधे फीट का खुदाई किया और पानी आ गया। और अभी चैत के महीने में छठ पूजा हमारे यहाँ होता है, चैत के महीने में जब छठ पूजा को लेकर के जो है पानी के लिए जो है बालू का खुदाव करने लगे तो 8 फीट गड्ढा करने के बाद ही पानी नसीब नहीं हुआ हम लोगों को। तो आपको इतना क्यों पड़ी है? इसे जो है विधानसभा के विधायक जीतन राम मांझी जी है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको जब नहीं पड़ी है तो आपको कुछ नहीं, तो आपको इतना क्यों पड़ी है? मामूली से आप एक चेयरमैन है तो आपको इतना क्यों पड़ी? जब विधायक जी को नहीं पड़ी है इतनी जनता के बारे में, तो आप इतना का दायित्व तो ले लिए अपने ऊपर। सर किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना, किसी न किसी को तो आवाज उठाना होगा ना। अब मान लीजिए कि हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे MLC महोदय मौन धारण करके बैठे हैं, तो क्या मेरा भी तो कुछ अपना फर्ज बनता है ना? मैं अगर जो उन लोगों की तरह ही मौन धारण करके बैठे रहूंगा तो आज देख लीजिए हमारे यहाँ थोड़ी सी बालू उठाव का क्या परिणाम हुआ कि 8 फीट जो है बालू का खुदाव करने पर भी पानी हम लोगों को नहीं हो रहा। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और जाकर देख लीजिए हमारे यहाँ के करीब करीब जो है 60-70% हमारे यहाँ चपकले सूख गई है, पेयजल का घोर संकट हमारे यहाँ आ पड़ा है। तो सर हमको तो आवाज उठाना होगा ना, और आज धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं। ठीक है हमारे सांसद और हमारे विधायक, हमारे MLC हमारी आवाज को जो है सदन में रखने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे हम अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपनी बातों को रखते हैं और उन आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे यहाँ के जनता जागृत हो रहे हैं। बिहार का एक ऐसा छोर है मित्रों जो बाढ़ से प्रभावित रहता है और एक ऐसा छोर है जो सूखा से प्रभावित रहता है, यानी मगध का जो क्षेत्र है गया औरंगाबाद और इस तरफ जो है यहाँ पर लोगों को
से पीने का पानी नहीं मिलता है, खेत में खेत की फसलें अच्छी हो इसलिए जो है जल ढंग से नहीं मिलता है, और यही कारण है कि ये जो क्षेत्र पूरा रहता है ये सुखाड़ से परेशान रहता है और वो एक क्षेत्र जो है वो बाढ़ से परेशान रहता है। अच्छा, इतना आंदोलन हुआ, इतने सारे लोग जो है आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, इसकी मांग आप क्यों नहीं करते हैं कि जहां से जहां सबसे ज्यादा बाढ़ होता है वहां से नहरें निकाली जाए और सुखाड़ क्षेत्र में नहरें आए, इसके बाद यहां पानी का डेवलपीकरण किया जाए, इसके बाद यहां पानी का विस्तार किया जाए, ऐसा सरकारें क्यों नहीं करती हैं? विगत कई सालों से सरकारें जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं कि जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का पानी निकालकर सूखाग्रस्त इलाकों में पानी भेजा जाए, उसके लिए नहर बनाना चाहिए, नहर की कोई परियोजना ही नहीं है। सर, आप इतनी बड़ी बात बोल दिए कि जहाँ बाढ़ हो रहा है, आप जो जिस जगह की बात कर रहे हैं वो आप जो है बात कर रहे हैं, आप सहरसा की बात कर रहे हैं, आरा छपरा आप तो है। सहरसा की बात कर रहे हैं, आप जो है सुपौल मधेपुरा की बात कर रहे हैं, आप अररिया की बात कर रहे हैं, आप उन जगहों को छोड़ ना दीजिए। हमारे मगध में ही, हमारे जिस लोकसभा में हम अभी आते हैं औरंगाबाद लोकसभा में, उस लोकसभा के अंतर्गत एक जो है उत्तर कोयल नहर परियोजना, एक उत्तर कोयल नहर जो है हमारे यहाँ नहर है जी। आप देख न लीजिए कि जब उस नहर को लोग चालू नहीं करवा पा रहे हैं, अगर जो उस नहर के लिए आंदोलन करना हो तो 135 किलोमीटर जो है से पद यात्रा करने के लिए भवानी सिंह तैयार है। अच्छा, 135 किलोमीटर की यात्रा करेंगे या कर लिए हैं? कर चुके हैं। अच्छा, 135 किलोमीटर आपको मैं बता दूं, अंबा के जो है कुटकुट डैम से लेकर के गया के गांधी मैदान तक उत्तर कोयल नहर परियोजना को शुरू कराने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा किया। हमारे लोकसभा औरंगाबाद लोकसभा के सांसद आदरणीय सुशील बाबू जी ने एक बार भी उत्तर कोयल नहर परियोजना को चालू करवाने के लिए संसद में अपनी बातों को नहीं रखा। एक बार भी कहीं पर भी धरना देने का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब 135 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करते हैं, मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव जी दो दो तीन तीन बार लोकसभा में उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर के अपनी बातों को रखते हैं, तो तब जाकर के जो है उत्तर कोयल नहर परियोजना पर कुछ काम आगे बढ़ती है। तो हमारे सांसद महोदय सुशील बाबू जी वो बड़े बड़े पोस्टर पूरे औरंगाबाद लोकसभा में लगाने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर कोयल नहर परियोजना को शुरू करने के लिए कभी भी संसद में अपनी बात को रखने का काम वो नहीं करते। मतलब 135 किलोमीटर की आपने यात्रा की है उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए? जी हाँ, 135 किलोमीटर। अच्छा, वो चालू हो जाएगा तो क्या उससे फायदा होगा? सर, अगर जो उत्तर कोयल नहर परियोजना शुरू हो जाता है तो हमारे मगध के 60% किसानों का जो है समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकारों का ध्यान इधर नहीं है। सर, आप बता तो रहे हैं कि जब अभी तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि बिहार में भी जो है उस केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जिस समय उत्तर कोयल नहर परियोजना की बात हो रही थी उस समय बिहार में भी जो है बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार थी, और तब तो ये परियोजना शुरू ही नहीं हुआ। ये मैं 2016-17 की बात कर रहा हूं आपसे। बिहार में सोचने का विषय है कि आखिर एक तरफ बाढ़ तो एक तरफ सूखा क्यों? बाढ़ के लोग बाढ़ से परेशान और सूखा के लोग सूखा से परेशान, इस पे सरकारों का ध्यान नहीं जाता। हालांकि तमाम परियोजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंड लाने के लिए और फंड निकालकर खा जाने के लिए, बाकी कोई भी परियोजना जो है सूखा प्रभावित इलाकों में जो है उसको हरा भरा करने के लिए कोई भी परियोजना धरातल पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उनके ऊपर भी FIR हो गया है। वो लोगों की आवाज उठाते हुए इतना बताते हैं कि तमिलनाडु में गरीब मजदूर को यानी बिहार के मजदूरों को मारा जाता है, और ये बात सत्य है सर कि बिहार के मजदूरों को दिल्ली, बंबई, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, बेंगलोर, चेन्नई महानगरों में मारा और भगाया जाता है। इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने आवाज उठाया तो उनके ऊपर FIR, जेल उनको डाल दिया गया। इसके ऊपर बिहार के नेता बिहार के लोगों के बिहार के मजदूरों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं एक बात एकदम स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ कि चाहे वो मनीष कश्यप हो या कोई हो, अगर जो जहाँ आप किसी भी चीज गलत चीजों के बारे में अगर जो पोल खोलिएगा तो आप पर FIR होना। देखिए, माफिया से अगर जो आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप पर FIR एकदम निश्चित है। अगर जो आप बिहार के मजदूरों के आवाज को उठाते हैं तो आप पर FIR होना एकदम लाजिम है। जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जिस इमामगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, हमारा विधानसभा बिहार के सबसे पिछड़ा और गरीब विधानसभा में एक विधानसभा आता है, सबसे नक्सल प्रभावित विधानसभा में हमारा। यहाँ के विधायक कौन है?
हमारे वर्तमान विधायक जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अभी वर्तमान विधायक हैं, नाम ले लीजिए, जीतन राम मांझी जी। तो जीतन राम मांझी जी जब पूर्व विधायक थे और उन्होंने इमामगंज के लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो कैसे इमामगंज के लोगों का दिशा और दशा परिवर्तित होगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चाहे पूर्व विधानसभा स्पीकर उदयनारायण चौधरी जी, जो भी यहाँ रहें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ खेती कर रोजगार का कोई जो है रोजगार समस्या का कोई निदान करने का प्रयास किन्हीं लोगों ने किया नहीं। आज जो है हमारे यहाँ जीविकोपार्जन का एकमात्र कोई साधन संसाधन है तो वो है कृषि। आज उस कृषि के संसाधन को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है इमामगंज विधानसभा में। और मैं रोकूंगा, और यही मजदूर जो है जब इनको यहाँ काम नहीं दिया जाता, यही मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं, तो इन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया जाता है एकदम हर जगह। कभी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कभी जो है गुजरात में देखने को मिलता है, कभी अभी तमिलनाडु में जो चल रहा है। आपको क्या लगता है बिहार के मजदूरों को सच में मारा जाता है या सिर्फ प्रोपोगंडा है? सर, हर जगह हमारे यहाँ इमामगंज विधानसभा के भी लोग आते हैं ना, जब मजदूर अपनी बातों को रखते हैं हम लोगों के बीच में, जब कहते हैं कि भैया बड़ी कष्ट होने हुआ है, ये नहीं कोई व्यवस्था करा हुआ हमने के, बड़ी जो है हीन भावना से लोग देखा है, बहुत गंदा गंदा गाली दे है, तो ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप जी ने अगर जो कोई चीज को प्रकाश में लाने का काम किया तो उन्होंने गलत नहीं किया है। तो फिर FIR क्यों सर? तो फिर जेल में क्यों? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कीजिएगा, हाँ। तो आपके ऊपर FIR होना लाजिम है, हाँ। अभी मैंने बालू के खिलाफ एक आंदोलन किया, हाँ। सर अभी आप देख लीजिए कि हमारे विधानसभा में सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है, हाँ। हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ एकमात्र सिंचाई का संसाधन जो है छोटी छोटी नदियां हैं जिनके माध्यम से हमारे यहाँ के पैनों में पानी जाता है, उन पैनों के माध्यम से हमारे यहाँ जो है खेती होता है, और आप उन नदियों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर से जो नदियां आती हैं वहाँ कहाँ जो है कहीं पर भी इस तरह का तो आज तक नहीं किसी हम बुक में किसी किताब में या कहीं पर भी देखने को मिला, किसी गाइडलाइन में हमको देखने को मिला कि आप वहाँ पोकलेन और JCB लगा करके बालू का उठाव कीजिए। आप उन नदियों को समाप्त कर दीजिएगा तो हमारे यहाँ खेती कैसे होगा? अभी देख लीजिए ना कि अभी मतलब अगर गरीब की, असहाय की, पीड़ित की, मजदूर की बात आप करेंगे या मनीष कश्यप करें या आप करें, फर्क नहीं पड़ता है, FIR सबके ऊपर होना है। एकदम आप भी कीजिएगा, अगर जो आप अभी जो है आप कीजिएगा तो आप पर भी FIR हो जाएगा। मतलब FIR करना सबसे आसान एकदम देख लीजिए, इसके पीछे एक कारण है, माफिया जो भी है या जो भी बड़े लोग हैं वो आज जो है पहले वाला आंदोलन और आज के आंदोलन में एकदम फर्क हो गया है। आज धनबल का जो है राजनीति हो गया है। आज आपके पास धन है तो सारे प्रशासनिक लोग आपके हैं, आपके पास अगर जो धन है तो सारे पॉलिटिकल लोग आपके हैं। आज ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। आज जिनके गले में मोटे मोटे चैन हैं उनको जो है जो भी सांसद विधायक होते हैं ज्यादा तहजीर देते हैं। जो गरीब कमजोर आदमी कहीं पहुंच गया तो उसके लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। आप चैन नहीं पहने, एक आध अंगूठी भी नहीं पहने सर। चैन और अंगूठी में क्या रखा है, हाँ। हम अपने विधानसभा के हर एक जो है हमारे यहाँ विधानसभा के जितने लोग हैं, हाँ। उनके हृदय में, उनके गले में जो है से हम बसे हुए हैं, हमें चैन और अंगूठी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ भवानी सिंह जी हैं, और सबसे पहली बात आपको बता दें कि छात्र राजनीति से लेकर अब तक की राजनीति में जो है कुछ पद इनके पास, ज्यादा बड़ा पद जो है तो नहीं, विधायक और अभी मंत्री वंत्री तो नहीं है, सांसद भी नहीं है, लेकिन तब से अब तक इन्होंने जनता के हित के लिए काम किया। फर्क नहीं पड़ता है कि FIR हो या जेल ना पड़े, यही कारण है कि बालू माफिया के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, बालू उठाने वालों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, और यही कारण है कि 19 दिन बेचारे जेल में रह के आए। कैसा लगा जेल? देखिए, जेल का अनुभव भी जो है पहली बार कहता है इससे पहले नहीं, ये मेरा पहला बार का अनुभव सर। हां, वो पहली बार में देखिए इतना अच्छा काम करके गए थे ना, हाँ। अपने विधानसभा के अस्तित्व को बचाने के लिए गए थे जेल, हाँ। जेल में भी इतना आनंद आया कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्व हुआ मतलब एकदम जेल जाने में भी हमें गर्व महसूस हुआ, और इसलिए कि कम से कम जेल जाकर के ही अपने विधानसभा के अस्तित्व को बचाने का काम तो हमने किया ना। हमने किसी चोरी डकैती में जेल जाने का काम तो नहीं ना किया, किसी
किसी छेड़खानी में, किसी मर्डर में तो हमने जेल जाने का पर काम नहीं ना किया। अच्छा, आप छात्र राजनेता थे, छात्र राजनीति से थे, छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे, आपके भी समय में सेशन उसन लेट चलता था। बिहार के करोड़ों लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उनका सेशन 3 साल का 5 साल में कंप्लीट होता है और फिर से कहा जाता है कि जो सीटेट वाले जो अध्यापक वो फिर से जो है परीक्षा देंगे। तो क्या लगता है आपके भी समय में ऐसा जो है ये सेशन लेट वाला प्रक्रिया था या अभी जल्दी में बन गया ये सब? देखिए, 2008 से लेकर के 2016 तक के मैंने मगध विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया, और आप पता करा सकते हैं कि 2008 से 2016 में मगध विश्वविद्यालय में कभी सेशन लेट हुआ या नहीं। अब तो हो रहा है सर, ये दुर्भाग्य है। जी, जो विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान का 17वां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, जो विश्वविद्यालय पूरे बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, आज उस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई बच्चे सर मैं बता दे रहा हूं आपको ना कि हमारे यहाँ के बच्चे आज मगध विश्वविद्यालय में अपना दाखिला नहीं करवाना चाहते हैं। बिहार के बच्चे जाते हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। सर, सरकार का जो है कभी मनसा स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति कोई जो है ढंग का रहे तब ना। सरकार देखिए, सरकार एक मंशा बना चुकी है। देखिए, अभी शिक्षकों के साथ जिस तरह का जो है बर्ताव किया जा रहा है, आप एक बार तो पहले उनको जो है 1500 रुपये में आप बहाल किए, आप जो है 1500 रुपये में किसी तरह से, जो आप 1500 रुपये में जिन शिक्षकों को बहाल कर रहे थे उस समय आपके मन में ये बात नहीं आई थी क्या कि मैं जो बहाल कर रहा हूँ? सरकारों का ये नियम बना लिया, भैया शिक्षा देना ही नहीं, शिक्षा दे देंगे तो हक मांगेगा ये सर। कुछ नहीं, सरकार बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। कभी शिक्षा पर बिहार सरकार का, अभी तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं खैर क्या बोले हम, उससे अच्छा तो है किसी जोकर को आप शिक्षा मंत्री बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मतलब आपको लगता है कि उससे बढ़िया शिक्षा का सुचारू रूप से मंत्री पद संभाल लेगा कोई जोकर? एकदम मैं बता दे रहा हूँ ना, हमारे शिक्षा मंत्री का शिक्षा के प्रति कभी कोई ध्यान रहा ही नहीं चाहिए, रहा ही नहीं। अनाप शनाप बयान देना, जो मन में आया क्या, अरे आप एक शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट का कोई महत्व होना चाहिए? आपका जो मन में आता है, जब जो मन में आता है मुंह में बोल देते हैं, ये शोभनीय नहीं है। आप रामचरितमानस के ऊपर चर्चा करेंगे लेकिन बिहार में यूनिवर्सिटियों में सेशन लेट चल रहा है सर, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। यही बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार को पहले जातिवाद में बांटा गया, फिर धर्मवाद में, अब रामचरितमानस, गीता, भागवत और पुराण में बांटा जा रहा है। जरा सोचिए बिहार को आप लोग किस गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने आपको दायित्व दिया है, चुनाव रूपी जो है आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद दिया है कि आप लोग अच्छा करेंगे, लेकिन आप लोग बिहार को खोखला कर रहे हैं। एक समय में बिहार सबसे समृद्ध राज्य कहा जाने वाला बिहार आज जो है बदहाली पर, बिहार की भुखमरी पर, बिहार की मजदूरी पर, बिहार के गरीबी पर लोग जो है कहीं ना कहीं उपहास का शिकार हो जाते हैं, और बिहार में इन सब तमाम चीजों की चर्चा नहीं होती है बल्कि जातीय जनगणना की बात होगी। कौन जो है सबसे बढ़िया रामचरितमानस में शूद्र कौन अच्छा कहलेगा, तो वैश्य कौन अच्छा बनेगा, ठाकुर कौन बढ़िया बनेगा, तो भूमिहार कौन बनेगा, पंडित जी कौन अच्छा बनेगा, तो जो है यादव जी कौन अच्छा बनेगा, इसके ऊपर चर्चा होती है। और यही कारण है कि बिहार के लोग भी बिहार में इसके जिम्मेदार है, क्योंकि हम जाति पात में बटकर लोगों को वोट दे देते हैं। क्या सर? देखिए, बिहार की अगर जो बात करें तो बिहार में अभी भी जातीय भावना इतना प्रगाढ़ बढ़ा हुआ है, जहां देखिए तहां। अच्छा, चुनाव लड़िएगा आप? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं भी। मतलब लड़िएगा? हो सकता है, मतलब कंफर्म समझा जाए? नहीं, इसको कंफर्म अभी नहीं समझा जाए। अच्छा, लेकिन अभी तक कहीं नहीं लड़ी चुनाव? नहीं, मैंने एक चुनाव लड़ा, मैं एमएलसी स्नातक एमएलसी का। मैं विधायक और विधानसभा और लोकसभा की बात करूं, विधानसभा लोकसभा की। विधानसभा हमारे यहां रिजर्व कोटे में है, और लोकसभा क्षेत्र जो है, तो मैं 2016 तक तो छात्र राजनीति में रहा, 17 में मैं एमएलसी का चुनाव ही लड़ गया स्नातक का। उसके बाद जो है हमारे यहाँ कोविड आ गया, कोविड के बाद जो है, और उसके बाद जो है नगर, हमारे यहाँ इमामगंज क्षेत्र हमारा जो है नगर पंचायत बना, तो इसमें जो है हम अपनी भूमिका निभाने लगे, और उसके बाद जो है 2024 में फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है। पहले जो है हम हर जगह जा करके लोगों से मंतव्य, देखिए मेरा एक ही सोच है, मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है तो हो सकता है सुशील जी के खिलाफ ताल ठोक दें आप? देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ही सोच है।
कि हमारे क्षेत्र में सांसद कोई बने, विधायक कोई बने, लेकिन वो बने जो हमारे क्षेत्र के हित की बात करते हो। ऐसे व्यक्ति हमारे वो बने तो आप क्यों ना बने। ऐसे व्यक्ति हमारे क्षेत्र के सांसद नहीं बन जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार में रहे कि किस विधानसभा में मरने वालों की संख्या 25 से 30 हो गई है तो मैं जाकर के उनके परिजनों से मिल लूं। वो व्यक्ति ना बने कि जिनके मन में कभी ये आए ही नहीं कि भाई जिस जो विधानसभा हमको 30,000 और 40,000 से चुनाव जिताता है उस विधानसभा में जो है किसानों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, आप सर सोच न लीजिए, हमारे सांसद जो है हमारे यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, 5-5 साल सेशन लेट चल रहा था, लेकिन लोकसभा में एक बार भी हमारे सांसद महोदय ने छात्रों के भविष्य की बातों को नहीं रखा। हर सर सेंट्रल में आपका सरकार है, आपके गवर्नर है, आपने कभी जाकर के अपने राज्यपाल महोदय से मिल करके छात्रों के भविष्य के बारे में चर्चा करने का काम किया? कभी नहीं। कभी सर, मतलब बिहार में बिहार के नेताओं को बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में? हमारे सांसद महोदय पूर्ण रूपेणा जो है एक बिजनेसमैन है। पूर्ण रूपेणा वो कहीं से पॉलिटिकल है ही नहीं। किस चीज का बिजनेस करते सर? हर एक जिस अगर जो कोई उनके लोकसभा क्षेत्र में या उनके जिले में अगर जो कोई बिजनेस है तो उसमें 80% भूमिका उनकी है, अपनी भूमिका है। वो सिर्फ और सिर्फ वो सांसद महोदय का एकमात्र काम है, इसके अलावा उनका दूसरा कोई काम नहीं। बस यही देश का दुर्भाग्य, यही बिहार का दुर्भाग्य। अंत में बस इतना कहेंगे कि ये एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और जनता के बीच में कुछ ना रहते हुए भी बहुत कुछ बनकर रहने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग अगर जो है, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसे इन जैसे लोग अगर आपके लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके विधानसभा, आपके लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में अगर ये लोग चुनाव लड़े या ना लड़े तो जबरदस्ती लड़वाइए इन लोगों को, और इन लोगों को से कहिए कि चुनाव लड़के हमारा उद्धार कीजिए। बस यही कहेंगे। अंत में इतना, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।